Swayam Prabha, Digital India, Educated India. हेलो स्टूडेंट्स माय नेम इज़ डॉक्टर अजय कुमार सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ लॉ बी एच यू सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस लॉ रिलेटिंग टू सिटीजनशिप भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकता से संबंधित क्या प्रावधान है यह मेरा लेक्चर नंबर ट्वेंटी टू है संविधान जो देश की सर्वोच्च विधि है वह भारत के नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान करती है और कौन व्यक्ति नागरिक होगा नागरिकता के लिए क्या प्रावधान होगा भारतीय संसद के द्वारा नागरिकता से संबंधित क्या कानून बनाए गए हैं इसका इसका डिस्कशन इसमें करेंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो सिटीजनशिप एक्ट है हो इट्स अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट भारतीय नागरिक कौन है हम एक तो नागरिकता भारतीय संविधान के अंतर्गत दी गई है और एक किसी भी व्यक्ति को जो भारत का नागरिक बनना चाहता है उसे भारतीय संसद के द्वारा बनाए गए नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत कैसे नागरिकता प्रदान की जाती है क्या प्रोसीजर है इसका इसको भी डिस्कस करेंगे चर्चा करेंगे डोमिसाइल क्या है अधिवास क्या है डोमिसाइल और निवास में क्या डिफरेंस है उच्चतम न्यायालय के क्या निर्णय हैं नागरिकता से संबंधित और नागरिकता से संबंधित जो जो संसद के द्वारा वर्ष दो में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया जिस जो बहुत ही पॉपुलर रहा है सी ए और उसमें एन क्या है जो नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटीजन है एन क्या है और एन क्या है नेशनल पापुलेशन ऑफ़ सिटीजन जो एन है नेशनल पापुलेशन ऑफ जो नेशनल रजिस्टर ऑफ पापुलेशन एन एन तो हम एन को देखेंगे कि जो नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटीजन है और जो इलीगल माइग्रेंट्स uh, हैं भारत में जो uh, अवैध रूप से शरणार्थी आकर के यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए क्या प्रावधान उनको नागरिकता दिया जाए या न दिया जाए उससे संबंधित प्रावधान को इस लेक्चर व्याख्यान के अंतर्गत देखेंगे तो आप स्लाइड के माध्यम से देखिए मैंने एक बताने का प्रयास किया है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग दो के अंतर्गत दिया गया भारतीय संविधान का भाग दो संविधान के आर्टिकल पाँच से लेकर के ग्यारह तक प्रावधानित करता है फ्रॉम सेक्शन फाइव टू इलेवन जो भा संविधान के भाग दो में दिया गया है वह पार्ट टू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज स्पेसिफिकली परटेनिंग टू सिटीजनशिप संविधान का जो भाग दो है वह नागरिकता से संबंधित प्रावधान की बात करता है और भाग दो के अंतर्गत नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वह संविधान के आर्टिकल पाँच से लेकर के फाइव से लेकर के ग्यारह तक में दिया हुआ है अब जब भी बात होगी नागरिकता से संबंधित तो ये समझना है कि संविधान के भाग दो की बात हो रही है और वह संविधान के अनुच्छेद पाँच से लेकर के ग्यारह तक की बात हो रही है जिसमें हम नागरिकता और नागरिकता से संबंधित संसद के द्वारा बनाए गए कानून की बात करेंगे अब देखते हैं कि नागरिक कौन है हो हुई सिटीजन तो बहुत एक सामान्य सी बात है कि भारतीय नागरिक जो भारत में पैदा हुआ है जो जन्म से ही बाई बर्थ सिजन बाई बर्थ है जिसके माता पिता या उसके पूर्वज उन्नीस से पहले से भारत में रह रहे हैं और भारतीय संविधान लागू होने के पश्चात 1950 के पश्चात यदि वे उनके पूर्वजों में से या उनके माता पिता में कोई भी भारत को भारतीय भूभाग से बाहर जाके बसा है तो उनके नागरिकता से उनकी नागरिकता कैसे प्रभावित होगी या प्रभावित नहीं होगी इसका भी अध्ययन इस व्याख्यान के अंतर्गत करेंगे मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकता भारत में सिटीजनशिप से संबंधित दो प्रकार के कानून एक तो देश की सर्वोच्च विधि है भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिक और भारतीय संसद के द्वारा बनाए गए कानून जो नागरिकता अधिनियम 19. 1955 है सिटीजनशिप एक्ट नाइनटीन उस नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत संसद के द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा कौन सा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन भारत में रहना चाहता है भारत भारत के प्रति उसकी वफादारी या लॉयल्टी है भारत में वह निवास करना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है यह नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा उसको रेगुलेट करने का प्रयास किया जाता है इंडिया में अब संविधान के अंतर्गत नागरिक जो मैंने आपको बताया कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता इसके लिए अधिवास आवश्यक है डोमिसाइल आवश्यक है अधिवास के द्वारा डोमिसाइल के द्वारा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है अब अधिवास का तात्पर्य क्या है अधिवास के लिए डोमिसाइल का एक जो लीगल फ्रेजोलॉजी में विधिक जो शब्दावली है डोमिसाइल इंक्लूड्स टू थिंग्स एक तो है कि रेजिडेंस मींस एंड दूसरा है इंटेंशन टू लिव इन इंडिया फॉर इनडेफिनिट पीरियड भारत में निवास करने का उसका आशय होना चाहिए एक तो डोमिसाइल के लिए दो क्राइटेरिया है इसको सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये बताया गया प्रदीप जैन बनाम भारत संघ की केस मैंने इसको लिखा हुआ है आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रदीप जैन बनाम भारत संघ ईआईआर या 1984 आर नाइनटीन की केस में यह निर्णित किया कि दो चीज़ें आवश्यक हैं नागरिकता के लिए डोमिसाइल होना चाहिए अधिवास भारत में उसका अधिवास होना चाहिए और डोमिसाइल कब कहा जाएगा कि ये इंडियन इंडियन रेजिडेंट है या डोमिसाइल उसका है डोमिसाइल के लिए ये तो वह निवास करना चाहिए किसी भी स्थान पर भारत के किसी भूभाग में उसका रेजिडेंस होना चाहिए और उसमें इंटेंशन एक जो स्पेसिफिक वर्ड यूज किया गया कि विशिष्ट आशय का होना ज़रूरी है भारत में निवास कर रहा हो और भारत में निवास करने का उसका लंबे समय के लिए फॉर इनडेफिनेट पीरियड उसका स्पेसिफिक इंटेंशन हो विशिष्ट आशय हो अगर ये दो तत्व मौजूद हैं तो भले ही कोई व्यक्ति छः महीने दो महीने के लिए वह किसी विदेश में जा रहा है पुनः फिर भारत को वापस आ रहा है तो मात्र इसके भारत भारतीय नागरिक का जिसके पूर्वज भारत में हैं उसके विदेश आने जाने से उसकी नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि उसके पास दो चीज़ें हैं कि उसका निवास स्थान भारत में है और उसका जो आशय है वो भारत को छोड़ने का नहीं भारत को त्यागने का नहीं है भारत में लंबे समय से उसके विशिष्ट उसका एक आशय है तो यह संविधान के अनुच्छेद पाँच में जो डोमिसाइल द्वारा नागरिकता का प्रावधान किया गया है कि यदि कोई भी भारतीय नागरिक देश में निवास कर रहा है उसका रेजिडेंस है और उसका रहने का एक विशिष्ट आशय है तो हम ये कह सकते हैं कि वह भारत का नागरिक है और उसे भारत का नागरिक होने के नाते वे सभी लाभ प्रदान किए जाने चाहिए जो नागरिक होने के नाते भारतीय संविधान में उसे अधिकार को दिया गया है आप इसको देखें भारतीय संविधान के अंतर्गत कुछ ऐसे विशिष्ट प्रावधान हैं जो केवल और केवल नागरिकों को प्रदान किए गए हैं जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप सभी छात्र जानते होंगे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कुछ ऐसे संवैधानिक पद हैं जिन संवैधानिक पदों पर केवल और केवल भारत का नागरिक ही पदासीन हो सकता है जैसे अब उदाहरण के रूप में मैंने बताऊँ कि भारतीय संविधान के वे कौन से प्रावधान हैं जो केवल नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं तो यद्यप कि भारतीय संविधान नागरिक की परिभाषा नहीं करता नागरिकता को परिभाषित नहीं करता केवल यह इतना बताया गया है कि जिस किसी भी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है यदि उसके पूर्वज या माता पिता भारत में जन्मे हैं भारत में रह रहे हैं तो वह व्यक्ति भी बाई बर्थ इंडियन सिटीजन माना जाएगा भारतीय नागरिक माना जाएगा और भारतीय नागरिक होने के नाते उसे वे सभी बुनियादी अधिकार प्राप्त होने होंगे जो किसी भी एक लोकतांत्रिक देश में किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए वे अधिकार आवश्यक हैं भारतीय संविधान भी अपने नागरिकों को विशिष्ट रूप से उन अधिकारों से सुसज्जित करता उन अधिकारों को प्रदान करता है जो वे अधिकार किसी भी लोकतांत्रिक देश के द्वारा एक अपने नागरिकों को उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रदान किए जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि भारतीय संविधान की आर्टिकल पंद्रह में नागरिक शब्द को यूज किया गया है कि राज्य के द्वारा कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाई जाएगी जो नागरिकों को जाति धर्म लिंग वंशकर्म के स्थान पर विभेद करने विभेद किया जाएगा तो आर्टिकल फिफ्टीन में भी पंद्रह में भी नागरिक शब्द को सिटीजन को डिफाइन वह लाभ जो है नागरिकों के लिए संविधान का आर्टिकल जो सिक्सटीन है जो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है राइट टू इक्वेलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है आर्टिकल सिक्सटीन वह कहता है कि राज्य के द्वारा अपने नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं में लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी तो भारत सरकार या राज्य सरकारें केवल और केवल अपने नागरिकों को सरकारी सेवाएं दे सकती हैं और सरकारी सेवा लेने के लिए पहली एक रिक्वायरमेंट होगी वह भारत का नागरिक हो जैसे आप देखते होंगे संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापित पद हो या किसी राज्य के द्वारा राज्य लोक सेवा योग के द्वारा विज्ञापित पद हो तो उसमें पहली क्राइटेरिया लिखी रहती है कि वह भारत का नागरिक हो पहला दूसरा वह न्यूनतम इक्कीस वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो ये उसकी एलिजिबिलिटी है अहड़ताएं हैं तो उम्र की अहता है जो एज की क्वालिफिकेशन है उसके साथ ही साथ उस नागरिकता की सिटीजनशिप में लिखा रहता है नागरिकता भारतीय है चूँकि हमने एकल सिटीजनशिप को अडॉप्ट किया है पूरे देश की एक नागरिकता है चाहे वह किसी भी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का हो या कच्छ रण से लेकर मेघालय सिक्किम तक का नागरिक हो वह केवल और केवल भारत का नागरिक है हमने सिंगल सिटीजनशिप को अडॉप्ट किया है एकल नागरिकता हमारे संविधान की विशेष विशेषता है तो हम जैसा कि अमेरिका के अंतर्गत डुबल सिटीजनशिप है एक संघीय नागरिकता और राज्यों की नागरिकता हम संविधान निर्माताओं के द्वारा जानबूझ करके नागरिकता को केवल और केवल भारतीय के रूप में इंडियन सिटीजन के रूप में एडॉप्ट किया गया मान्यता प्रदान की गई दो प्रावधान जैसा कि मैंने बताया संविधान के आर्टिकल पंद्रह और सोलह केवल नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं में लाभ के लिए बात करती है सरकारी सेवाओं में उनको अवसर प्रदान करेगी वैसे शैक्षणिक संस्थानों में चाहे वह केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान है या राज्य शैक्षणिक संस्थान है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें केवल और केवल नागरिकों का प्रतिनिधित्व हो सकता है सृजन को लाभ दिया जा सकता है विदेशी व्यक्ति कोई भी उसका लाभ नहीं ले सकता है वैसे संविधान की आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो फ्रीडम ऑफ जो राइट टू फ्रीडम है जो सिक्स छः प्रकार की जो फ्रीडम्स हैं स्वतंत्रताएँ हैं उन स्वतंत्रताओं का लाभ केवल और केवल भारत का नागरिक ले सकता है यह स्पष्ट प्रावधान संविधान के आर्टिकल 19 में कहा गया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक को वाक्य हो गया की स्वतंत्रता होगी एवरी सिटीजन शैल हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह नागरिकों को प्रदान की गई है भ्रमण की स्वतंत्रता नागरिकों को प्रदान की गई है असेंबली की स्वतंत्रता संघ यूनियन बनाने की स्वतंत्रता भारत में निर्वाध रूप से भ्रमण की स्वतंत्रता यह नागरिकों को प्रदान की गई है देश के जो नागरिक हैं केवल वही इसका दावा कर सकते हैं जबकि आप देखें आर्टिकल फोर्टीन चौदह के अंतर्गत आर्टिकल ट्वेंटी वन के अंतर्गत पर्सन यूड्स किया गया है आर्टिकल फोर्टीन में है कि स्टेट सेल ना डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया तो आर्टिकल फोर्टीन जो संविधान का आर्टिकल चौदह है अनुच्छेद चौदह के अंतर्गत जिस शब्दावली का प्रयोग किया गया है वह शब्दावली है व्यक्ति पर्सन इंक्लूड्स सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन तो व्यक्ति की जब हम बात करते हैं पर्सन की जब बात करते हैं तो उसमें नागरिक और अनागरिक दोनों आते हैं यह कुछ ऐसे प्रावधान हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत जो व्यक्ति जो व्यक्ति के व्यक्ति को लाभ देने के लिए जिसमें नागरिक भी हो सकता है और विदेशी भी हो सकता है वैसे आर्टिकल ट्वेंटी, ट्वेंटी वन का लाभ ऐसे है कि विदेशी नागरिक को भी आर्टिकल ट्वेंटी वन का लाभ दिया जा सकता है अगर वह भारत में आता है भारत में भ्रमण करता है तो जब तक वह ब्रीच ऑफ लॉ जब तक वह लाभ को ब्रीच नहीं करेगा कानून का विखंडन नहीं करेगा कानून का वॉलेशन नहीं करेगा तब तक किसी भी विदेशी नागरिक को भी हम अरेस्ट नहीं कर सकते उसको डिटेन नहीं कर सकते तो इसलिए भारतीय संविधान के आर्टिकल इक्कीस में जो शब्दावली यूज की गई है वहां पर पर्सन यूज किया गया है कि नो पर्सन सेल बी डिप्राइब्ड ऑफ हिज लाइफ और लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ तो नो पर्सन सेल बी डिप्राइब उसमें पर्सन यूज किया गया है आप सभी जानते हैं पर्सन व्यक्ति के अंतर्गत नागरिक और अनागरिक दोनों को सम्मिलित किया गया है तो ऐसे संविधान के अंतर्गत जो विशिष्ट प्रावधान है जो केवल नागरिकों को लाभान्वित करते हैं मैंने आपको बताया कि उसका उदाहरण है दृष्टान्त आर्टिकल 15 है आर्टिकल 16 है आर्टिकल 19 है जो नागरिकों को ही अधिकार प्रदान करता है अब आर्टिकल 19 के अतिरिक्त बातें हैं संविधान का आर्टिकल जो अनुच्छेद है वह है ट्वेंटी नाइन है कि वह भारतीय नागरिकों को जो धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हैं उनको अपनी शैक्षणिक संस्था को स्थापित करने का प्रशासित करने का उनको अपने धार्मिक अपने धर्म के मतानुसार शैक्षणिक संस्था को स्थापित करना भाषा और धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिक हैं वे शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करके उनको प्रशासन कर सकते हैं और उनका प्रचार प्रसार शैक्षणिक प्रसार प्रचार प्रसार कर सकते हैं तो ये संविधान के आर्टिकल ट्वेंटी नाइन थर्टी के अंतर्गत है जो संविधान के भाग ऐसे कुछ और भी संविधान में प्रावधान हैं जो केवल नागरिकों को उपलब्ध कराए गए हैं जैसे भारत का राष्ट्रपति है भारत का उपराष्ट्रपति है यह प्रधानमंत्री का पद है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद है यह पद केवल और केवल भारत का नागरिक ही सुशोभित कर सकता है विदेशी नागरिक इसके लिए अपात्र होंगे क्योंकि आप देखिए उसमें सब भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से प्रावधानित किया गया है कि लोकसभा का सदस्य होने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी वह भारत का नागरिक हो वह इक्कीस वर्ष से अधिक आयु का हो वह पच्चीस वर्ष से अधिक आयु का हो वह पैंतीस वर्ष से अधिक आयु का हो भारत का राष्ट्रपति होने के लिए भारत का नागरिक हो तो ये जो एज के उम्र के साथ ही साथ वह वयस्क हो वह इतनी उम्र का हो उसे किसी न्यायालय के द्वारा दिवालिया ये सब घोषित न किया गया हो ये जो एडिशनल क्वालिफिकेशन है उसके अतिरिक्त तो जो पहली जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि वह भारत का नागरिक हो तो राष्ट्रपति जो ऐसे संविधान के जो संवैधानिक पदों पर पदासीन जो सर्वोच्च पद हैं संविधान के अंतर्गत वह नागरिकों को प्रदान किया गया है उसका केवल और केवल कारण यह है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो नागरिक है नागरिक की जो लॉयल्टी है देश के प्रति जो उसका समर्पण भाव है देश के प्रति वह समर्पण भाव देश के प्रति नागरिक यदि अपना व्यक्त करता है तो उस सत्ता के सर्वोच्च पद पर सर्वोच्च शिखर पर नागरिक को ही पदासीन किया जाना चाहिए इस भावना के तहत ऐसे कुछ संविधान के पद हैं जिसमें केवल और केवल नागरिकों को लाभ देने का प्रयास किया गया है तो आपने देखा कि संविधान में ऐसे बहुत से जो मैंने बताया ना कि ये दृष्टांत के रूप में है जैसे महान्यायवादी है महाधिवक्ता है एडवोकेट जनरल है अटॉर्नी जनरल है ये सब जो पद हैं इन पदों पर केवल और केवल भारत का नागरिक ही उस पद को सुशोभित सो कर सकता है सृजन होना उसके लिए एक इसेंशियल क्वालिफिकेशन है अब इसके बाद आते हैं कि एक तो भारत का नागरिक हो गया संविधान के तहत और यदि कोई विदेश से विदेशी व्यक्ति भारत को आया है तो उसके लिए क्या प्रावधान होने चाहिए कैसे वह भारत का नागरिक हो सकता है मैंने जैसा कि आपको बताया कि संसद के द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया स्वयं संविधान के आर्टिकल ग्यारह इलेवन यह राज्य को अधिकार प्रदान करती है कि राज्य राज्य से तात्पर्य केंद्र सरकार यहाँ पर है भारतीय संसद आपको मालूम होगा कि नागरिकता जो है वह संघ सूची का विषय है यह क्यों नहीं राज्य सूची में रखा गया यह संविधान निर्माताओं के द्वारा जानबूझ करके संघ सूची में जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं उनको संघ सूची में रखा गया तो संघ सूची में वर्णित विषय होने के कारण नागरिकता से संबंधित कानून संसद के द्वारा बनाया जाएगा इसीलिए भारतीय संसद ने अभी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जिसको हम सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 इन ब्रीफ इट इज़ आल्सो रेफर्ड एज सी ए इसको हम संक्षेप में बोलते हैं सी ए अभी बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि एक विरोध का विषय बना था सी ए उसको भी चर्चा करेंगे कि उसके मुख्य प्रावधान क्या हैं और उसमें जो विवाद के विषय हैं किन बातों पर किन मुद्दों पर किन बिंदुओं पर विवाद था तो उसको भी डिस्कस करेंगे इसमें लेकिन चूंकि संविधान का अनुच्छेद 11 स्वयं राज्य को स्वयं संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है उसी कानून उसी संवैधानिक प्रावधानों के तहत भारतीय संसद के द्वारा वर्ष 1955 में नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट नाइनटीन निर्मित किया गया बनाया गया अब उस अधिनियम के अंतर्गत देखें कैसे नागरिकता ग्रहण की जा सकती है आपको स्लाइड के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि नागरिकता अधिनियम 1955 को देखें कि कैसे उसमें कोई भी व्यक्ति पांच प्रकार से नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पांच प्रकार से कोई भी किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है संसद के द्वारा बनाए गए कानून के माध्यम से ऐसा प्रावधान वह जो पॉइंट हैं उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जन्म से सिटीजनशिप बाई बर्थ और सिटीजनशिप बाई डिसेंट वंशक्रम के आधार पर नागरिकता और दूसरा है सिटीजनशिप बाई रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के द्वारा नागरिकता तीसरा है तीसरा हो गया फोर्थ इसमें है देशीकरण द्वारा नागरिकता और पांचवा है कि अर्जित भूभाग के सम्मेलन से अगर ला, कोई लैंड एक्वायर किया जाता है भारत सरकार के द्वारा तो लैंड एक्वायर के पश्चात जो है जिस भी देश के भूभाग को भारतीय सीमा में विलय किया गया है उस भूभाग के व्यक्ति भारत के नागरिक समझे जाएंगे पांच ऐसे माध्यम हैं जिन माध्यमों से किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है पहला जैसा कि मैंने बताया जन्म से नागरिकता भारत सिटीजनशी बाई बर्थ इसमें प्रावधान किया गया कि जो 26 जनवरी 1950 के पश्चात जो भी भारत में जन्मा है उस प्रत्येक व्यक्ति को जो 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के पश्चात भारत में जन्मा है उसे भारत का नागरिक माना जाएगा उसमें कोई किसी प्रकार का डाउट ही नहीं है संशय ही नहीं है कि अगर 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के पश्चात भारत में जन्म लिया है तो वह जन्म से भारत का नागरिक माना जाएगा एक दूसरा है यदि वंशक्रम के आधार पर भारत का नागरिकता भारत का नागरिक होना डिसेंट इसमें सिटीजनशिप बाय डिसेंट कहने का तात्पर्य है कि जिस किसी भी व्यक्ति के माता पिता या उसके पूर्वज उसके ग्रैंडफादर या आ, मदर में से कोई एक भारत का नागरिक रहा है तो भले ही उस व्यक्ति का जन्म भारत से बाहर कहीं भी हुआ हो जैसे यदि उसके माता पिता अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं और व्यक्ति का जन्म भी अमेरिका में हुआ है लेकिन माता पिता एक वर्ष दो वर्ष के लिए अमेरिका या किसी विदेश के किसी भी भूभाग में नौकरी पेशे के लिए गए हैं तो भी वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा क्योंकि उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं अभी उस विदेशी नागरिकता को उन्होंने ग्रहण नहीं किया है तो जब तक उसके माता पिता उसके अभिभावक उसके पेरेंट्स भारत के नागरिक हैं भले ही उस व्यक्ति का जन्म विदेश के किसी भूभाग पर हुआ हो वह भी व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यह दूसरा पॉइंट है जो वंशक्रम के द्वारा भारत का नागरिक होना तीसरा है सिटीजनशिप बाई रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिक होना इस नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत एक प्रावधान किया गया कि कोई भी व्यक्ति पंजीकरण के द्वारा रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी भारत का नागरिक हो सकता है यदि वह कम से कम भारत में पाँच वर्ष निवास किया हो तो वह संबंधित प्राधिकारी को पंजीकरण के माध्यम से आवेदन के माध्यम से यदि वह सदाचारी है यदि वह देश का देश का नागरिक नहीं है तो उसको भी भारत का आ, नागरिकता प्रदान की जा सकती है बाई रजिस्ट्रेशन ये तीसरा हो गया कि नागरिकता प्रदान करने का रजिस्ट्रेशन के माध्यम से चौथा इसका जो फोर्थ पॉइंट है वह है नेचुरलाइजेशन के द्वारा देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति यदि कोई व्यक्ति भारत में मिनिमम बारह वर्ष रहा है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत विदेश का है और वह भारत में बारह वर्ष अपनी भारत सरकार की सेवाएं दी हैं या राज्य की सरकार में कहीं काम किया है लगातार भारत में बारह वर्षों तक रहा है एक दूसरा किसी शत्रु देश का वह निवासी नहीं है शत्रु देश का तात्पर्य यहाँ पे जो भारत सरकार के द्वारा ऐसा कोई राष्ट्र कोई देश जिसको शत्रु राष्ट्र घोषित किया गया हो जिसको ये कहा गया हो कि वह भारत सरकार के प्रति बैमनष्ठा रहता है भारत सरकार के प्रति युद्ध करता है तो शत्रु देश का निवासी होने के आधार पर उस व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं स्वीकार किया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में यदि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है नागरिकता लेना चाहता है बारह वर्ष तक भारत में सेवाएं अपनी दी हैं और वह अच्छे आचरण का है उसका आचरण अच्छा रहा है करेक्टर अच्छा रहा है किसी शत्रु देश का निवासी नहीं है और वह किसी भी संबंधित आठवीं अनुसूची की भाषा जिसको हम बोलते हैं कि आठवीं अनुसूची में बाईस भाषाएं दी गई हैं उस आठवीं अनुसूची के अंतर्गत यदि किसी भाषा का उसको ज्ञान है तो ये ये क्राइटेरिया हैं कुछ ऐसी कि कम से कम भारत में रहना है तो भारत में जिन राज्यों में भाषा बोली जाने वाली है चाहे मलयालम हो चाहे तेलुगु हो चाहे वह जम्मू कश्मीर की भाषा हो तो यदि किसी राज्य में अब अगर सेवाएँ दे रहा है तो संविधान की आठवीं सूची में वर्णित जितनी भाषाएं बाईस भाषाएं हैं अगर उसमें किसी एक भाषा को भी वह जानता है तो ऐसे व्यक्ति को यदि ये ये क्वालिफिकेशन जो मैंने अभी बताई आपको पूरा करता है तो उस किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक नागरिकता प्रदान की जा सकती है तो ये पाँच और जो पाँचवा पॉइंट ये है मैंने जैसा कि अभी ठीक बताया कि अगर भारत के द्वारा किसी विदेशी भूभाग को युद्ध के माध्यम से या वह कोई ऐसा भा भारतीय भूभाग जो भारत में विलय करने को तैयार है विलय कर लिया गया है तो उस देश का चूँकि वह देश का अस्तित्व ही खत्म हो गया वह भूभाग भारत में सम्मिलित हो गया तो वे नागरिक भी भारत के नागरिक समझे जाएंगे ये भी पाँचवा एक प्रकार एक पाँचवा एक माध्यम है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है और भारत का नागरिक माना जा सकता है अब ये ये प्रावधान जो दिए गए हैं नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत वह उसके लिए भिन्न भिन्न भिन प्रावधान हैं कि उसके अधिनियम की धारा धारा आठ में धारा नौ में दस में पाँच में ऐसे ये सारे प्रावधान जो मैंने बताया ये विशिष्ट रूप से उल्लिखित किए गए हैं उस अधिनियम की विशिष्ट धाराएँ आप सभी के लिए जानने की आवश्यकता नहीं है केवल यह जानना है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पांच माध्यम से कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है मैंने बताया जन्म से भारत का नागरिक वंश क्रम के आधार पर भारत का नागरिक तीसरा है रजिस्ट्रेशन के माध्यम से पंजीकरण के माध्यम से भारत का नागरिक चौथा मैंने आपको बताया कि देसी के द्वारा भारत का नागरिक और पांचवा बताया अर्जित भूभाग का या अर्जित भूभाग के सम्मिलन से अमलगमेशन से वो मर्जर हो गया है भारतीय भूभाग का अमलगमेष हो गया है मर्जर हो गया है जो भारतीय भूभाग है तो उसके पश्चात वहाँ का जो नागरिक होगा भारत का नागरिक समझा जाएगा ये पाँच ऐसे माध्यम है पाँच में से कौन सा नहीं है प्रारंभिक परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस व्याख्यान के पश्चात मुझे लगता है कि पाँच यदि पॉइंट आपको मालूम होगा तो आप ये समझ पाएंगे कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा बाई बर्थ या वंश क्रम के आधार पर भारत का नागरिक कैसे हो सकता है अर्जित भूभाग का व्यक्ति भारत का नागरिक कब होगा ये आप भली बात इसमें समझ पाएंगे तो इसके पश्चात अब देखते हैं कि जो नागरिकता की समाप्ति है ये तो हो गया कि भारत का नागरिकता कब मिल सकती है किसी भी व्यक्ति को अब नागरिकता समाप्ति कैसे हो सकती है कोई व्यक्ति भारत का नागरिक कब नहीं होगा यह प्रावधान संविधान के आर्टिकल नाइन के अंतर्गत नौ के अंतर्गत दिया गया है स्लाइड पर आप देखें स्क्रीन पर आप देखें मैंने तीन ऐसी परिस्थितियां बताई हैं तीन ऐसी परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता से वंचित हो सकता है पहला है विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर आप सभी को मालूम होगा कि कोई भी व्यक्ति जो विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी यह लॉ इसको हम बोलें लॉस ऑफ सिटीजनशिप तो सिटीजनशिप का लॉस कब हो सकता है एक तो रिनंसिएशन होता है दूसरा है टर्मिनेशन है और तीसरा है डेप्रीवेशन है वंचित किया जा सकता है भारत सरकार के द्वारा किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से। सेक्शन आठ सेक्शन आठ के अंतर्गत सेक्शन नाइन के अंतर्गत सेक्शन टेन के अंतर्गत ये तीन स्थितियाँ बताई गई हैं जिनमें सिटीजनशिप कोई भी व्यक्ति सिटीजनशिप को लॉस कर सकता है कब वह रिनन्सिएशन के द्वारा अर्थात कोई भी भारतीय नागरिक घोषणा के माध्यम से बाय डिक्लेरेशन ही आर सी कैन डिक्लेयर डिक्लेयर दैट now ही is नॉट विलिंग टू reside इन इंडिया एंड नाउ ही आर सी है डिसाइडेड टू गेट सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री वह किसी भी देश की अगर नागरिकता लेना चाहता है और भारत में वह नहीं रहना चाहता है तो उसके मात्र उद्घोषणा मात्र से उसकी नागरिकता भारत में समाप्त समझी जाएगी यदि अब उसने विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर लिया है क्योंकि भारत केवल और केवल सिंगल सिटीजनशिप को एकल नागरिकता को मान्यता प्रदान करता है मैंने आपको बताया कि जहाँ पर व्यक्ति स्वेच्छा त्याग दे रिनन्शिएट कर दे त्याग से घोषणा के द्वारा त्याग दे या विदेशी यदि नागरिकता ग्रहण कर लिया है तो भले ही वह घोषणा न करे लेकिन जैसे ही सरकार को सूचना प्राप्त होगी कि अमुक व्यक्ति के द्वारा भारतीय नागरिक के द्वारा विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली गई है तो कोई भी भारतीय नागरिक एक समय में भारत का नागरिक और विदेशी नागरिक नहीं हो सकता है तो विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी नागरिकता ऐसे भारतीय नागरिक की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी और तीसरी ऐसी कंडीशन है थोड़ा टफ है सेक्शन टेन जो इस नागरिकता अधिनियम की धारा दस यह कहती प्रावधान करती है कि भारत सरकार के द्वारा किसी भी भारतीय नागरिक को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है यदि कुछ क्राइटेरिया हैं जैसे कि यह समानता होता नहीं है यह तब होता है जब कोई विदेशी नागरिक फ्रॉड से धोखेधड़ी से कोई डॉक्यूमेंट फोर्स करके कोई गलत डॉक्यूमेंट लगा करके भारत की नागरिकता ग्रहण कर लिया है और बाद में वेरिफिकेशन जो है आफ्टर वेरिफिकेशन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है पाती है कि संबंधित व्यक्ति के द्वारा जो भारत का नागरिक नहीं है गलत मिथ्या दस्तावेज के माध्यम से वह भारत का नागरिक बना है तो फ्रॉड के आधार पर ऐसे व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है तो ये ऐसे कुछ ग्राउंड्स हैं जिसमें व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है या ड्यू टू लॉयल्टी अगर कोई भी विदेश का व्यक्ति है और उसने संसद के द्वारा बनाए गए कानून नागरिकता अधिनियम उन्नीस के अंतर्गत किसी माध्यम से भारत का नागरिकता ग्रहण की है और भारत सरकार के प्रति वह डिसलायल्टी शो कर रहा है मतलब वह लायल नहीं है वफादारी नहीं है देशद्रोह करता है या डिसल्टी डिसअफेक्शनेट हो गया है देश के प्रति तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार ऐसे किसी भी भारतीय नागरिक को जो भारत सरकार में अपनी निष्ठा नहीं रखता है उसको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है तो ये प्रावधान स्वयं अधिनियम की धारा दस के अंतर्गत भारत सरकार को अधिकार प्रदान करती है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिक को नागरिकता से वंचित कर दिया जाए जो किसी धोखेधड़ी के माध्यम से नागरिकता ग्रहण किया है या सरकार के प्रति डिसलायल्टी शो कर रहा है उसको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है तो ये दो चीज़ें मैंने आपको जो बताई एक तो ये कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत कब कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है और कब उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है लॉस ऑफ सिटीजनशिप और तीन परिस्थितियों में मैंने बताया कि तीन आधार हैं पहला कि जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा डिक्लेयर कर दे कि अब मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ भारत का नागरिक नहीं रहना चाहता हूँ तो ऐसी स्थिति में या विदेशी नागरिकता स्वीकार करने पर उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त होगी तीसरी ऐसी परिस्थिति जैसा मैंने बताया कि ऐसा कोई भी भारतीय नागरिक जो देश के प्रति वफादारी नहीं शो कर रहा है डिसायल हो गया है और उसके साक्ष्य हैं मजबूत ऐसे साक्ष्य हैं जिस साक्ष्य के माध्यम से भारत सरकार को लगता है कि इस डिसी के क्या क्या ग्राउंड हो सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर भारतीय नागरिक अपने देश की महत्वपूर्ण सूचना को किसी विदेशी राष्ट्र को शत्रु देश को लीक करता है शेयर करता है कर कोई भारत का नागरिक अपने देश के कुछ ऐसे प्रतिष्ठान जो आ, जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एटॉमिक रिसर्च सेंटर हैं परमाणु संयंत्र हैं उनसे अगर कोई भी संबंधित सूचना को शेयर करता है तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को ये माना जाएगा कि वह भारत सरकार के प्रति देश के प्रति उसकी लायल्टी नहीं है वफादारी निष्ठा नहीं है और निष्ठा न रहने के आधार पर उसको उसको नागरिकता और नागरिकता से संबंधित उसके जो लाभ हैं उस लाभ से वंचित किया जा सकता है तो ये तीन ऐसे आधार हैं जो सेक्शन नाइन के अंतर्गत मैंने आपको ये सेक्शन एट सेक्शन नाइन सेक्शन टेन के अंतर्गत बताया और भारत सरकार को संविधान का अनुच्छेद नौ ऐसा करने का अधिकार प्रदान करता है कि भारत सरकार संविधान के अनुच्छेद नौ के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को नागरिकता के अधिकार से वंचित कर सकती है तो ये इस प्रकार से ये मैंने बताने का प्रयास किया कि नागरिकता कब समाप्त होगी और नागरिकता कैसे ग्रहण किया जा सकता है अब दूसरी स्थिति है डोमिसाइल को लेकर के अधिवास को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि डोमिसाइल बहुत ही डिबेटेड रहा है विवादास्पद मुद्दा रहा है तो डोमिसाइल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस राम नारायण ए आई आर देखिए इसमें इसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि अल्प समय के लिए विदेश में निवास करना अधिवास प्रभावित नहीं करता यह महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि क्या कोई व्यक्ति जो विदेश में चला गया है किसी एक महीने दो महीने के लिए विदेश जाता है पुनः इंडिया आता है और वर्ष में लगभग वो छः माह विदेश में रहता है छः माह भारत में रहता है तो ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति भारत में नागरिक न माना जाए क्योंकि वह एक समय में एक एक समय में दो जगह का लाभ ले रहा है तो ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णय किया गया कि अगर अल्प समय के लिए कोई व्यक्ति विदेश जा रहा है विदेश में निवास कर रहा है तो उसका निवास करना मात्र ही यह नहीं माना जा सकता कि वह वह भारत का आदिवासी नहीं है डोमिसाइल उसका भारत से समाप्त हो चुका है क्योंकि जो मुख्य मुद्दा ये है यहाँ पर यह है कि यदि उसका इंटेंशन जो है रियल है वास्तविक उसका रियल इंटेंशन ये है भारत में रहना है वो भले ही विदेश की किसी भूभाग पर अल्प अल्पकाल के लिए कम समय के लिए जाता है तो इससे उसका डोमिसाइल का स्टेटस कोई प्रभावित नहीं होगा तो ये बात याद रखनी है कि ऐसी स्थितियों में प्रायः डोमिसाइल से जो रिलेटेड मुद्दे आएंगे वहाँ पर डोमिसाइल प्रभावित नहीं होगा यदि कोई भी भारतीय नागरिक अल्प समय के लिए विदेश के किसी भूभाग पर नौकरी पैसे के लिए जाता है तो वह भारत का नागरिक बना रहेगा भारत का नागरिक माना जाएगा अब नागरिकता की प्राप्ति कैसे होगी मैंने आपको एक बताया स्क्रीन पर आप देखें उसमें एक थोड़ा सा डिटेल जो दिया हुआ है कि देसी कण के द्वारा कोई भी विदेशी व्यक्ति जो वयस्क है शत्रु देश का नागरिक नहीं है शत्रु देश से तात्पर्य जिस देश से भारत सरकार भारत से युद्ध हुआ हो या भारत सरकार के विपरीत कार्य कर रहा है कोई भी ऐसा राष्ट्र शत्रु राष्ट्र माना जाएगा जिसको केंद्र सरकार ने शत्रु राष्ट्र माना है केंद्र सरकार को आवेदन कर सकता है ऐसा कोई भी व्यक्ति जो वयस्क है और विदेशी नागरिक है भारत का नागरिक होना चाहता है तो पहली कंडीशन है कि वह अच्छे आचरण का रहा हो भारत में 12 वर्ष तक रहा हो मिनिमम 12 ट्वेल्व ईयर्स रहा हो भारत में रहा हो या भारत सरकार की सेवा में रहा हो तीसरा जो पॉइंट है अपने देश की नागरिकता त्याग कर भारत सरकार को इसकी सूचना दे यदि भारत का नागरिक नागरिकता ग्रहण करना चाहता है तो उस देश से जिस देश का वह नागरिक है वहाँ पे नागरिकता को उसको रिलिंकिस करना होगा को त्यागना होगा तभी वह भारत का नागरिक बन सकता है तो मैंने पंजीकरण को पहले बता दिया देशीकरण के माध्यम से बताया अब एक केस माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया कि क्या कंपनी का जो शेयर होल्डर है तो कंपनी का शेयर होल्डर है और कंपनी यदि समाप्त हो गई तो क्या शेयर होल्डर का राइट भी समाप्त हो गया या उसका अधिकार प्रभावित होगा तो कंपनी नागरिक है या नागरिक नहीं है इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के समझ पहला मामला नाइनटीन में आया केस का नाम है आर कपूर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ए आई सुप्रीम कोर्ट इस केस को हम बैंक नेशनलाइजेशन केस के नाम से भी जानते हैं बैंक राष्ट्रीयकरण के वाद के नाम से भी जाने जाते इस केस में जो मुख्य प्रश्न उच्चतम न्यायालय के समक्ष था कि जो याचिकाकर्ता है या आर सी कपूर ये ये पेटिशनर जो है एक बैंक में शेयर होल्डर था बैंक का शेयर उसने शेयर होल्डर था उसके बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया एक समय ऐसा था कि केंद्रीय सरकार के द्वारा कुछ बैंकों को जो प्राइवेट बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और राष्ट्रीयकरण हो जाने से जो बैंक में शेयर होल्डर था उसके भी पैसे उसके भी आर्थिक उसको नुकसान हुआ उसने जब इस मामले को चैलेंज किया तो बैंक की तरफ से तर्क दिया गया कि चूँकि सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया है इसलिए अब वह व्यक्ति अपना क्लेम दावा नहीं कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि यद्यप कि कंपनी या बैंक नागरिक नहीं है वह नागरिक की परिभाषा में नहीं आते लेकिन किसी भी किसी भी व्यक्ति का अधिकार मात्र इसलिए समाप्त नहीं हो जाता कि वह उस कंपनी का शेयर होल्डर है उसके कम उसका उसका कुछ पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट हुआ है तो मात्र इस आधार पर भी कंपनी नागरिक नहीं है तो हम उस नागरिक न होने के कारण उसमें इन्वेस्ट किए गए निवेश किए गए किसी भी व्यक्ति के पैसे को भी हम न दें तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णित किया गया कि, कि किसी भी व्यक्ति का अधिकार मात्र इसलिए नहीं, नहीं समाप्त हो जाता कि वह कंपनी का अंशधारी हो गया है अगर शेयर होल्डर हुआ है कोई व्यक्ति कंपनी सिटीजन नहीं है नागरिक नहीं है लेकिन नागरिक अगर का राइट प्रभावित हो रहा है तो हम मात्र नागरिक अधिकार को नागरिक के अधिकार को इसलिए हम कंपनी के द्वारा वायलेट होने दें कि कंपनी नागरिक नहीं है तो इससे माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णय किया गया कि यद्यप कि कंपनी नागरिक नहीं है परंतु कोई भी व्यक्ति जो कंपनी का अंशधारी है वह अपने अंश का शेयर का क्लेम कर सकता है हकदार है उसको वापस किया जा सकता है इसी प्रकार के फैक्ट जो है दूसरे केस में था बेनेट कोलमन एंड कंपनी इंडियन ऑफ इंडिया ए आई आर केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि किसी भी व्यक्ति का किसी कंपनी में शेयर होल्डर हो जाना मात्र ही उसे वह उस अधिकार से वंचित नहीं हो सकता उसका अधिकार समाप्त नहीं हो सकता उसका अधिकार प्रभावित तो नहीं होगा अब इसके पश्चात जो इसमें ये मैंने बताने का प्रयास किया है अब आप देखें डिटेल में एक नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 2019 बनाया गया इसको हम संक्षेप में कहने का प्रयास करें तो एस ये सी ए अब इसके अंतर्गत सबसे जो विवादित मुद्दा था एन आर सी और इस नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से संसद के द्वारा यह प्रयास किया गया कि भारत में जो अवैध घुसपैठिए हैं उनको रोकने के लिए और भारत में पाकिस्तान अफग़ानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए नान मुस्लिम को जो गैर मुस्लिम व्यक्ति हैं हिंदू सिख जैन ईसाई इन सभी व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान किया जाए और यदि उनके यदि उनके यदि उनके प्रति धार्मिक आधार पर विभेद हुआ है और वह उस देश को वापस नहीं होना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में यदि वह भारत में आते हैं तो भारत में उनका स्वागत है और वह भारत और भारतीय नागरिकता उन्हें प्रदान की जा सकती है सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संसद के द्वारा वर्ष 2019 में एक संशोधन किया गया उस अमेंडमेंट को आप देखें जो सबसे इसका सैलेंट फीचर है वह आप स्क्रीन पर देखें लिखा हुआ है कि थर्टी दिसंबर दो के पूर्व पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश से आए हुए हिंदू सिख ईसाई को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और वे भी भारतीय नागरिकता के हकदार होंगे अब उन्हें नागरिकता कैसे दी जाएगी उसका क्या प्रावधान है इसको लेकर के इतने विवाद क्यों हुए इससे संबंधित प्रावधान को मैं हाईलाइट करने का प्रयास करूंगा जिससे कि आप देखे होंगे कि सी का विरोध बहुत पॉपुलर था और सी का मतलब यहाँ पर हो गया सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता संशोधन अधिनियम उसमें जो मुख्य मुद्दे थे जिसको लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ है उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा कि पहला जो यह क्यों ऐसे क्यों लाया गया इस एक्ट को लाने का प्रयास पहले देखेंगे बैकग्राउंड क्या है इस एक्ट को लाने के लिए तो सबसे पहला जो आईबी की रिपोर्ट है भारत में सीबीआई भी है और एक आईबी है इंटेलिजेंस ब्यूरो तो आईबी की रिपोर्ट मिली कि भारत में लगभग थर्टी वन थाउजेंड इकतीस हज़ार समथिंग कुछ फिगर है ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश से हिंदू हैं वे भारत को आना चाहते हैं और भारत में प्रवेश कर चुके हैं उनको इस बात का भय है कि यदि वे अपने देश को जाएंगे तो उनको मार दिया जाएगा उनके जान को खतरा है तो ऐसी स्थिति में यदि वे व्यक्ति जो जिसे धार्मिक आधार पर विभेद किया जा रहा हो और वे अपने देश को वापस नहीं जाना चाहते हैं भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो भारत सरकार के द्वारा यह स्वागत करते हुए इस कदम का कि वे भी चूँकि आज़ादी के पहले यदि भारत से वहाँ गए हों तो निश्चित रूप से यदि भारत में आना चाहते हैं तो उन्हें इस अधिकार उन्हें यह अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए और भारत का नागरिक उन्हें बनाया जाना चाहिए यह सुनिश्चित करने के लिए जो आईबी की रिपोर्ट थी उस आईबी की रिपोर्ट के आधार पर लगभग इकतीस हजार थर्टी वन थाउजेंड समथिंग जो ये माइग्रेंट थे पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए व्यक्ति थे इनको भारतीय नागरिकता प्रदान की गई इस सी के द्वारा अब इसमें विरोध क्या था ये जो बेनिफिशरी लाभार्थी इनको तत्काल लाभ देने के लिए एक्ट लाया गया था विरोध का जो कारण था कि यह इसमें नान मुस्लिम शब्दावली जोड़ दी गई तो इस विरोध का कोई लॉजिक नहीं है कोई तर्क नहीं है इसलिए नहीं है लॉजिकल नहीं लगता विरोध होने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि पाकिस्तान भी इस्लामिक राष्ट्र है बांग्लादेश भी इस्लामिक राष्ट्र है अफगानिस्तान भी इस्लामिक राष्ट्र है जब इस्लामिक राष्ट्र है तो वहाँ पे इस्लाम खतरे में नहीं है मुसलमान वहाँ पे जो रह रहे हैं वह बहुसंख्यक हैं उनको जान का ख़तरा नहीं है तो यदि वे वहाँ से आते हैं यदि मुस्लिम इस यदि मुस्लिम पाकिस्तान से या बांग्लादेश से भारत को आना चाहता है या भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उस इस्लामिक राष्ट्र में जहाँ पे तीनों राष्ट्र हैं उन्होंने अपना इस्लाम धर्म स्वीकार किया उनका राष्ट्र धर्म ही वह वो, वो इस्लामिक कंट्री है तो वहां पे उनको धार्मिक भय नहीं है उनको धर्म के आधार पर विभेद नहीं किया जा रहा है न तो उनको वहाँ पे खतरा है किसी इस बात का तो यह तर्क देना कि इसमें केवल और केवल एक वर्ग विशेष को हिंदू सिख ईसाई जैन को रखा गया तो इस आधार पर इस स्तर को अस्वीकार कर दिया गया कि उनको वहाँ पे धार्मिक आधार पर उनके प्रति भेदभाव नहीं किया जा रहा है तो इस अधिनियम के अंतर्गत उनको यदि नागरिकता से वंचित किया जा रहा है तो इसमें समस्या कहाँ पर आती है लेकिन यह आलोचना उसी आधार पर की गई कि यह जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और आपको जानकर ताजुब होगा आश्चर्य होगा सभी छात्रों को कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानवाधिकार संस्था है उसके द्वारा भी ये कहा गया कि जो एक्ट लाया गया है संसद ने जो कानून लाया सी है सी इसमें भी धार्मिक आधार पर भेदभाव लग रहा है लेकिन हालांकि उसका कोई भारत एक संप्रभु राष्ट्र है सॉरेन कंट्री है अपने आंतरिक मामलों को निश्चित निपटारे के लिए भारतीय संसद सक्षम है ऐसा कोई कानून बना सकती है जिसमें इस प्रकार की बातें तो अब एन आर जो सी के अंतर्गत जो प्रमुख मुद्दा ये था कि नॉन मुस्लिम को इसमें सम्मिलित किया गया और मुस्लिम को इसे डिप्राइव कर दिया गया यद्यप कि वह बांग्लादेश से भी कुछ शरणार्थी रिफ्यूजी आए हुए हैं अफगानिस्तान से भी अभी अलाउ कर दिया जाए तो वहाँ से भी सम, भारत को आना चाहेंगे लेकिन इसमें यह कहा गया कि चूंकि उनको खतरा नहीं उनके जानमाल को खतरा नहीं उनकी सांस्कृतिक उनकी संस्कृति वहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा अछुड़ है और उनको जो उनको उनके संस्कृत को कोई प्रॉब्लम नहीं कल्चर को कोई प्रॉब्लम नहीं है वो वहाँ पर धार्मिक आधार पर विभेद उनके प्रति नहीं किया जा रहा है तो हम इस ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम दो है उसमें उनको नहीं जोड़ा जाना चाहिए तो ऐसी स्थिति में पहला पहला तो ये क्लियर हो गया कि जो आईबी की रिपोर्ट के आधार पर इतने लोगों को थर्टी वन थाउजेंड बेनिफिशरी को लाभार्थी को इस नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत संशोधन करते हुए उनको नागरिकता प्रदान कर दी जाए और यही नहीं आप इसमें देखेंगे कि यह थोड़ा सा कानून और संशोधन किया गया कि उनको बहुत अल्प काल के लिए पहले जो ग्यारह बारह वर्ष थे यदि पाँच वर्ष भारत में रहे हों तो भी उनको नागरिकता दी जा सकती है ऐसा प्रावधान इसमें किया गया कि पाँच वर्ष तक भी अगर वो भारत में रहे हैं तो उनको नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी अब ऐसा इसलिए हुआ है कि आपने देखा होगा सभी छात्र इस बात से भली बात अवगत होंगे कि चकमा शरणार्थी केस यहाँ पर भारत में रोहंग्या शरणार्थी समस्या है रोहंग्या जो मुस्लिम आकर के भारत में एक रोहनगिया प्रॉब्लम है चकमा शरणार्थी प्रॉब्लम है तो ऐसे हमारे जो डेटा हैं वह आप देखेंगे कि भारत में माइग्रेंटों की संख्या जो अवैध घुसपैठियों की संख्या थी कितनी ज़्यादा थी वे भारत में आए और कहीं किसी दूरवर्ती सुदूर जो रिमोट एरिया में जा बस गए पॉपुलेशन भी उनकी बढ़ी तो इसको ये इस सुनिश्चित करने के लिए कि जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है इसमें संशोधन कर दिया जाए और एक आइडेंटिटी कार्ड दे दिया जाए पूरे नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकता से संबंधित एक उनको आइडेंटिटी कार्ड दिया जाए यह सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक इसमें संशोधन किया गया नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जिसको हम संक्षेप में एन बोलते हैं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एक एन बनाई जाए उस एन का उद्देश्य क्या होगा कि उस एन के माध्यम से हम ये जान पाएंगे कि जो नेशनल रजिस्टर होगा सिटीजन के लिए भारतीय नागरिकों के लिए उस रजिस्टर में इनके नाम भारतीय नागरिकों के नाम उल्लेख किए जाएँ और इनकी एक पहचान इनकी एक बायोमेट्रिक्स हो और आधार कार्ड के माध्यम से वह उनको एक कार्ड दिया जाए आइडेंटिटी कार्ड इशू किया जाए कि जिससे कि उनकी आइडेंटिटी स्थापित हो सके कि ये भारत के नागरिक हैं इनके पेरेंट्स भारत के नागरिक थे यह सुनिश्चित करने के लिए जो एनआरसी को इम्प्लीमेंट किया गया तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड किया गया कि एनआरसी को हम आसाम चूंकि आसाम ज़्यादा प्रभावित था तो आसाम में एनआरसी को लागू किया गया और जब एनआरसी को लागू किया गया आप सभी ये जानते होंगे कि एन के पहले नागरिकता को लेकर के भारत भारतीय सरकार बहुत ही चूंकि वर्ष दो में वर्तमान सरकार ने अपने घोषणा पत्र में मैनिफेस्टो में इस बात का वादा किया था जनता से कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम एन लागू करेंगे सृजन यहाँ पर जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है उसको लागू करेंगे उस वायदे मैनिफेस्टो को उस वायदे को पूरा करने के लिए इस एन को इम्प्लीमेंट किया गया जैसा कि आप जानते हैं यह संशोधन कोई पहले का है नागरिकता अधिनियम 1955 का है और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 का है भारतीय संसद के द्वारा 2003 में उस नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया 2003 में क्या संशोधन किया गया महत्वपूर्ण क्या संशोधन किए गए अभी मैं उसको डिटेल में बताऊंगा और आप देखिए कि 2003 में भी ये प्रावधान ए, ए प्रयास किया गया था कि जो रजिस्ट्रार जनरल है भारत का उसको ए, उस उत्पराधिकारी के माध्यम से भारत में नागरिकों नागरिकों के लिए एक कार्ड की व्यवस्था की जाए तो उसी को प्रभावी कर दिया गया उस प्रावधान को इस सरकार ने इफ़ेक्टिव कर दिया इम्प्लीमेंट कर दिया ये पहले से प्रावधान था तो ये जानने की बात है और ये इसको इतना मिस, इसको मिसगाइड किया गया कि इसको सीए को प्रचार प्रसार करने के लिए इसके सकारात्मक पक्ष को उद्घाटित करने के लिए आ, सरकार के द्वारा प्रयास करना पड़ा कि लोग समझें कि ये कोई बहुत गलत का ये कोई कदम उठाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है बस इसमें इतना ही है कि चूँकि जो पड़ोसी देश हैं उस वह, वह इस्लाम धर्म स्वीकार किए हैं वहाँ पर चूँकि मुस्लिम बहुसंख्यक हैं उनके धर्म को खतरा नहीं है तो जो वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं सिख ईसाई हिंदू वे अगर भारत आना चाहते हैं तो वह भारत आए हम उनको नागरिकता प्रदान करेंगे और उनके अधिकारों का रक्षण संरक्षण होगा यदि उनको इस बात का भय है कि उन्हें जान का खतरा है मार दिए जाएंगे दूसरी बात यह है कि एन से पहले आप देखें यहाँ पर एक एन था नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एन भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो वर्ष 2010 में लागू किया गया आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा सभी छात्रों को कि 2010 में एनपीआर लागू किया गया नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर आप देखें उस नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर स्कीम के तहत उस भारत सरकार के द्वारा प्रयास किया गया कि भारत में सभी जितने भी पॉपुलेशन है पूरे भारत की पूरे देश की उसका पूरा एक डेटा तैयार किया, जा, किया जाए डेटाबेस तैयार किया जाए और किस घर में कितने सदस्य हैं उन सदस्यों की संख्या को सदस्यों की संख्या को डि पूरे डिटेल को उसमें मेंशन करने के लिए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार किया जाए जिससे ये प्रयास होगा कि हम भारत सरकार ये जान पाएगी कि भारत की जो कितनी पूर्ण पूरी जनसंख्या कितनी है पॉपुलेशन कितनी है एक तो ये दूसरा उस पॉपुलेशन में कितने लोग कितने लोगों को लाभ नहीं पहुंच रहा है सरकारी योजनाओं को लाभ नहीं पहुंच रहा है कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं कितने मतदाता हैं कितने वयस्क अवयस्क हैं यह संबंधित पूरे पूरे एक परिवार की पूरी एक प्रकार से कहें तो होरोस्कोप जन्म कुंडली तैयार करने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2010 में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के माध्यम से करने का प्रयास किया गया तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर उसी दिशा में उठाया गया एक कदम था जिससे भारत सरकार ये चाहती थी कि एक तो आबादी कितनी है पॉपुलेशन कितनी ये मालूम हो जाए और पॉपुलेशन का कितना हिस्सा कितना भाग अभी भी सरकारी योजनाओं से सरकारी लाभ से वंचित है ये और दूसरा भारत में जो घुसपैठिए हैं उनकी स्थिति क्या है और वास्तविक स्थिति क्या है इसको तो पॉपुलेशन रजिस्टर के माध्यम से 2010 में ही शुरू कर दिया गया था परंतु यह एनपीआर जो है वह एनआरसी से अलग है एनआरसी का उद्देश्य केवल और केवल यह था पॉपुलेशन को कवर करना नहीं था एन का उद्देश्य केवल ये था कि जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिर्जन होगा भारत के नागरिक कौन हैं इनका इनको आइडेंटिफाई करने का प्रयास एनआरसी के माध्यम से किया गया जो इसमें अप्रिहेंशन थे जिस जो भय थे जिस जो जो समाज का जो एक वर्ग इससे भयाकांत था भयभीत था वह उनको ये अप्रिहेंशन था भय था कि एन लागू होने से मुस्लिमों मुसलमानों के जो नागरिकता संबंधी अधिकार हैं वे प्रभावित होंगे उनको ये भय था ये विरोध का जो कारण दिया गया एनआरसी में उनको लग रहा था कि सरकार जो योजनाएं सरकार जो एन आर लागू करने जा रही है तो इससे उनको जो मुस्लिम्स हैं उनके उनको नागरिकता के अधिक उनको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा यद्यप कि ऐसा नहीं था जो भारत के मुसलमान आज़ादी से पहले रह रहे हैं आज़ादी के पश्चात भी जो जन्म से यहाँ पर रह रहे हैं भारत के नागरिक हैं उनको नागरिकता से कैसे वंचित किया जा सकता है यह एक प्रकार से भ्रम एक प्रकार से भ्रम फैलाया गया यद्यपि कि उस एन से उनके अधिकारों का उनकी नागरिकता को किसी प्रकार से कोई भी नुकसान होने की संभावना इस एन से नहीं थी इस एन का बस उद्देश्य था कि जो हमारे सीमावर्ती जो राज्य हैं जैसे आसाम है और अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम है बंगाल है यहाँ पे जो घुसपैठ होती है जो बांग्लादेश से आते हैं और यहाँ पर रह जाते हैं उन घुसपैठियों को रोकने के लिए ये प्रयास किया गया कि हम जब आई कार्ड वो दे देंगे नेशनल जो आइडेंटिटी कार्ड होगा जब वो इशू कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे और अपने देश से उनको निकाल निकाल बाहर फेंकेंगे कि जो भारत में आकर के वह अन्य आपराधिक गतिविधियों में भी प्राय संलिप्त पाए जाते हैं आपने देखा होगा कि रोहिंग्या मुस्लिम के द्वारा या कैसे उनके द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कहीं कहीं आपराधिक वारदात भी की जाती तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार के द्वारा जो एन का कदम एक एन का प्रयास किया जा रहा था और नागरिकता संशोधन अधिनियम दो का जो प्रावधान किया गया वह दोनों को अगर आप देखेंगे समग्रता में देखेंगे अगर उसको वाइडली अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से यह प्रयास जो है देश के सर्वांगीण विकास के लिए देश की एकता अखंडता के लिए जरूरी था कि हमारे देश में अगर घुसपैठी आएंगे बाहरी लोग आकर के यहाँ रह रहे हैं हम उनको आइडेंटिफाई न कर पाएँ तो ये कहीं ना कहीं फिर सरकार की क्षमता है कि बाद में होगा कि नहीं सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा रही है सरकार के द्वारा इस पर कोई प्रभावी इसका कदम नहीं उठाया जा रहा है कोई स्कीम नहीं है तो निश्चित रूप से यह प्रयास होना चाहिए था और हो रहा है कि हम एक डिटेल एक उनकी पूरी पूरा एक डिटेल तैयार करें और उसके माध्यम से जो भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं जो भी अवैध रूप से यहाँ पे भारत में निवास कर रहे हैं उनको बाहर किया जाए और जो भारत के वास्तविक नागरिक हैं उन्हीं नागरिकों को भारत भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा योजनाओं का लाभ दिया जाए और जिससे कि देश देश को अन्य ऐसे जो हमारे मुद्दे हैं जो समय समय पर आप देखते होंगे कि कोई अरुणाचल प्रदेश में हो गया मणिपुर में है आसाम में है वह समय समय पर किसी आपराधिक वारदात को वहाँ पे अंजाम देते रहते हैं और रोहंगिया समस्या अभी भी भारत के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है चकमा शरणार्थियों का मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुँचा है इसको निर्धारित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा तो इस एन को लागू होने से आपने देखा कि एनआरसी का जो उद्देश्य है केवल और केवल नागरिक यह सुनिश्चित करना कि भारत का नागरिक कौन है और भारतीय नागरिकों को एक पहचान पत्र उपलब्ध कराना एक उनको राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड उपलब्ध कराना जिससे कि जो भारत के नागरिक होंगे उन्हीं को केवल वह कार्ड दिया जाए दूसरी बात इससे जो इसका निगेटिव पक्ष है जो इसको हाईलाइट किया गया दुष्प्रचार किया गया कि यह जो एनआरसी है यह अल्पसंख्यकों को नागरिकता के अधिकार से वंचित करेगी जबकि एन का कदापि यह उद्देश्य है ही नहीं तो आप सभी छात्रों को ये बात समझना है और उस अधिनियम को जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एन और सी जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें कहीं पर कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कुछ ऐसे मुद्दे आए एन को ही लेकर के असम में जो अवैध शरणार्थी प्रवेश को रोकने के लिए जब एन लाया गया सबसे पहला इम्प्लीमेंट किया गया असम राज्य में तो इसको भी लेकर के बहुत आपने देखा होगा कितना विरोध हुआ है लेकिन एक महत्वपूर्ण केस अभी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया उस केस को मैं उल्लेख करना चाहूँगा आप इसको देखें सबसे लास्ट में मैंने स्लाइड के माध्यम से बताने का प्रयास किया है यह है एन एच आर सी वर्सेज स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एन एच आर सी का मतलब यहाँ पर है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वर्सेज स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ए आई आर नाइनटीन नाइन्टी सिक्स सुप्रीम कोर्ट इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णित किया कि आर्टिकल 14 और 21 का लाभ शरणार्थियों को भी प्राप्त होगा तो आपने देखा कि भारतीय उच्चतम न्यायालय का भी जो दृष्टिकोण है हम तो मानवीय आधार पर विदेशी नागरिकों को भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं और इस चकमा शरणार्थियों को मामले इसमें एन का मतलब यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वर्सेज स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इस केस में एन जो राष्ट्रीय मानवाधिकार है वह स्वयं उच्चतम न्यायालय के समक्ष केस करता है कि हमारे देश में जो शरणार्थी हैं उन शरणार्थियों को भी जीने का अधिकार है उनको भी मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार है जो संविधान के आर्टिकल इक्कीस के अंतर्गत प्रत्याभूत किया गया है तो शरणार्थी भी इससे वंचित नहीं होने चाहिए यह जिस राज्य में भी हैं उस राज्य का संवैधानिक दायित्व तो है कि कम से कम शरणार्थियों की मौत न हो भूख से या उनके ऊपर कोई अत्याचार न हो तो हम मानवता के आधार पर ह्यूमन राइट वायोलेशन न होने पाए हम उस आधार पर भी उस दिशा में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि शरणार्थी भी आर्टिकल फोर्टीन और ट्वेंटी का लाभ ले सकते हैं लाभ प्राप्त कर सकते हैं इसके पहले भी चकमा शरणार्थी मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि आर्टिकल 21 का लाभ शरणार्थियों को भी दिया जा सकता है तो कहने का तात्पर्य यह है कि नागरिक होने से भारत का नागरिक होने से उन्हें संविधान के अंतर्गत कुछ लाभ तो प्राप्त होंगे संवैधानिक पदों पर वह पदासीन किए जाएंगे, पदस्थापित किए जाएंगे। नागरिक होने के नाते वह भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च पदों पर पदासीन होंगे लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो सी ए है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट टू है एन है ये कहीं पर भी आप देखें इसका उद्देश्य केवल और केवल जो गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं सिख ईसाई हैं अगर वह इन तीनों राज्यों से आते हैं राष्ट्र देश से आते हैं पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से तो उनको भारतीय नागरिकता प्रदान की जाए इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है अब यह विरोध का कारण बना कि क्यों नहीं जम क्यों नहीं श्रीलंका के अल्पसंख्यकों को लाया गया अब जब तीन राष्ट्र हो गए अगर सम्मिलित नहीं किया जा सका श्रीलंका के अंतर्गत जो भारतीय अल्पसंख्यक वहाँ रह रहे हैं तो अब इस आधार पर किसी अधिनियम की आलोचना करना किस अधिनियम के अंतर्गत यह क्यों नहीं सम्मिलित किया गया कि जो म्यांमार में बर्मा में अल्पसंख्यक रह रहे हैं उनको वहाँ खतरा है उनको भी इस अधिनियम के अंतर्गत बहुत इलाजिकल जितना प्रयास किया गया यदि हो सकता है जान यदि कोई गलती से छूट गया अगर उसको नहीं जोड़ा जा सका इसमें तो इसका मतलब नहीं है कि हम इस देश को क्यों नहीं लाना चाहिए या उस देश के व्यक्ति को इसमें क्यों नहीं लाना जाना चाहिए आप ये देखें कि हमारे पास जो रिपोर्ट मिली आईबी की रिपोर्ट के आधार पर ये सरकार ने काम किया कि इतने ऐसे तीस हज़ार हज़ार लोग ऐसे हैं सिख ईसाई हैं जो भारत से ही पाकिस्तान में गए और बांग्लादेश में गए और वहाँ पर इतने डरे हुए हैं कि उनके प्रति इतना उनके मानवाधिकारों का इतना उल्लंघन किया जा रहा है कि वह भारत में आने को तैयार हैं और वह इस आधार पर यह प्रयास किया गया कि उनको भारत का भारत ना भारत की नागरिकता प्रदान की जाए और भारत के प्रति यदि लायल्टी शो कर रहे हैं तो इसमें कोई भी आ, समस्या नहीं है कि उनको भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाए तो इसलिए एक तो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 हो गया नागरिकता संशोधन अधिनियम हो गया 2019 का और दूसरा ये हो गया कि एनआरसी को लागू करने से हम अखिल भारतीय स्तर पर पूरे देशी स्तर पर भारतीय नागरिकों को एक पहचान पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण एक के सूत्र में बांध पाएंगे और देश की एकता और अखंडता को मजबूत रख पाएंगे इसलिए नागरिकता से संबंधित ये सभी प्रावधान संशोधन हमें अच्छी तरीके से समझना चाहिए और उचित ठहराने का प्रयास करना चाहिए छात्र मैं समझता हूँ कि ये जितना भी व्याख्यान नागरिकता से संबंधित मैंने आपको बताया कि कैसे संविधान भारत को नागरिकता प्रदान करता है भारतीय संविधान नागरिकता कैसे प्रदान करता है नागरिक होने से क्या क्या लाभ हैं भारत में किन किन सर्वोच्च पदों पर भारत का नागरिक पदासीन हो सकता है पदस्थापित हो सकता है भारतीय संसद के द्वारा पारित किए गए नागरिकता अधिनियम उन्नीस के अंतर्गत नागरिकता प्राप्त करने के जो पाँच आधार हैं उन पांच मैंने माध्यमों को आपको बताने का प्रयास किया और इसके बाद एन और एन में क्या डिफरेंस है दोनों में मौलिक अंतर क्या है एन क्यों लाया गया एन क्यों लाया गया कब लाया गया और जो नागरिकता संशोधन अधिनियम दो है वह क्यों लाया गया उसका उद्देश्य क्या है ये बताने का प्रयास किया सुप्रीम कोर्ट का क्या विचार है इस एन को लेकर के शरणार्थियों के राइट को लेकर के क्या विचार है मैंने ये भी बताने का प्रयास किया और इस व्याख्यान के माध्यम से मैं समझता हूँ कि नागरिकता से संबंधित समस्त का जो सूचना है वह मैंने एक जगह आपको एक इस व्याख्यान के माध्यम से देने का प्रयास किया और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आप इसको सही कर पाएंगे मैं इसी आशा और उम्मीद के साथ आपको यहीं पर इस लेक्चर को व्याख्यान को विराम देता हूं थैंक यू धन्यवाद